लीडर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले दोस्तों शीला फोम के बारे में। दोस्तों इस कंपनी को बहुत सारे लोग नाम से नहीं जानते दोस्तों। इसके प्रोडक्ट है दोस्तों स्लीप वेल वगैरह के, मैट्रेसेस वगैरह, तो स्लीप वेल नाम से बहुत लोग जानते हैं दोस्तों इसको। और अभी इस शेयर में जबरदस्त रैली चालू हो चुकी है दोस्तों, और जिसने भी हाई पे खरीदा है दोस्तों इस शेयर को अभी मत बेचिए दोस्तों। ये अपने 52 वीक हाई को टच जरूर करेगा दोस्तों, टच भी करेगा और वहां से आगे भी जाएगा दोस्तों, मगर टाइम लगेगा उसमें, आपको अभी तुरंत रिटर्न नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो अभी हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों। देखिए कंपनी क्या काम करती है दोस्तों। ये कंपनी ऑटोमोटिव फोम बनाती है, रेटिक्यूलेटेड फोम बनाती है, साइलेंट फोम बनाती है, साउंड एब्सॉर्प्शन फोम बनाती है, स्पेशलिटी फोम और यूवी फोम। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों इस कंपनी के, और ये कंपनी डिजाइन डेवलपमेंट और जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ करती है दोस्तों। ये कंपनी बेसिकली फोम में ही काम करती है दोस्तों। और देखिए इनके प्रोडक्ट स्लिप वेल, फीदर फोम, लैमी फ्लेक्स, तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों फोम के अलावा भी। स्लिप वेल में ये मैट्रेसेस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, लैमी फ्लेक्स में ये अलग अलग प्रकार के शीट्स वगैरह इनके फ्लेक्सिंग के लिए यूज होता है दोस्तों, और फीदर फोम तो और भी इंडस्ट्रियल फोम वगैरह यूज करते हैं दोस्तों, जो भी सीट वगैरह में लगता है वो फोम भी ये मैन्युफैक्चर करते दोस्तों। और अभी देखिए द वाइन विनिंग ऑफ ब्रांड शीला ग्रुप इंक्लूड, तो उनके विनिंग ब्रांड्स देखिए दोस्तों। स्लीप वेल फ्लैगशिप ब्रांड फॉर मैट्रेसेस एंड कंफर्ट एसेसरीज, तो देखिए स्लीप वेल काम करता है दोस्तों मैट्रेसेस एंड कंफर्ट एसेसरी का फोम बनाता है ये दोस्तों। फीदर फोम प्योर पीयू फोम बनाता है दोस्तों, जो भी व्हीकल में वगैरह लगते वो रहता है दोस्तों। और लैमी फ्लेक्स सुपीरियर क्वालिटी पॉलीथर एंड पॉलिस्टर फोम फॉर लेमिनेशन, तो ये भी इनके अलग अलग एप्लीकेशन है और अलग अलग इनके ब्रांड्स भी है दोस्तों। और देखिए मैट्रेसेस में ये इन अलग अलग रेंज प्रोवाइड करते हैं जो भी पसंद आए लोगों को, और टेक्नोलॉजी भी ऐड की है इन्होंने, और सपोर्ट रेंज और कंफर्ट एसेसरीज में उनकी देखिए पिलो, मैट्रेसेस प्रोटेक्टर, बोल स्टार, बैक कुशन और फर्नीचर कुशनिंग भी है इनके पास दोस्तों। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके। और अभी हम आते कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस में। आप देखिए 1 वीक में शेयर ने 10% के रिटर्न दिए दोस्तों, 3 मंथ में भी 10%, ईयर टिल डेट में 0.4%, तो ईयर टिल डेट तक ये शेयर भागा नहीं है दोस्तों, अभी तक उस प्राइस पर आ चुका है दोस्तों। इतनी रैली के बाद ये शेयर अभी ईयर टिल डेट के प्राइस को टच किया दोस्तों इसने, और 1 साल में देखोगे तो 38% के रिटर्न दे रहा है, और 3 सालों में 159% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दे रहा है दोस्तों ये शेयर। और देखिए कल के दिन इसमें 8.5% की रैली हुई है दोस्तों, 3,242 रुपीज पे क्लोज हुआ ये शेयर। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए दोस्तों 15,819 करोड़, तो अच्छा खासा मार्केट कैप है दोस्तों कंपनी का, और इसका फेस वैल्यू है 5, ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है दोस्तों। और अभी हम आते कंपनी के रेवेन्यू पे, आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है दोस्तों, और 22 में अभी कंपनी ने 2,981 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया दोस्तों। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, और 21 में कंपनी ने 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन है दोस्तों, 22 में 218 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया दोस्तों। और क्वार्टरली भी देखोगे तो थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है दोस्तों इनको रेवेन्यू में भी और नेट प्रॉफिट में भी। और ये कंपनी छोटा सा इंटरेस्ट भी पे करती है दोस्तों, तो इनके ऊपर छोटा सा डेट भी है दोस्तों। और अभी हम आते कंपनी के रिजर्व्स पे, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स है दोस्तों। 22 में अभी कंपनी के पास 1,368 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं दोस्तों। और अभी हम आते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, प्रमोटर के पास है 70.72.95, 73% प्रमोटर है दोस्तों। FIIs देखिए 3.1%, DIIs 22.84%, और पब्लिक देखिए दोस्तों 1.1% पब्लिक के लिए छोड़ा है दोस्तों। इतना माल DIIs ने खरीद लिया है दोस्तों, सब कुछ माल DIIs ने खरीद लिया है दोस्तों, कुछ DIIs ने खरीद लिया है दोस्तों, जितना मार मार्केट में अवेलेबल हो रहा है दोस्तों शीला फोम का DIIs उठा रहे हैं दोस्तों, और FIIs ने भी अच्छी होल्डिंग पकड़ रही है दोस्तों। तो पब्लिक के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है दोस्तों, 1.1% कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनियों में FIIs DIIs हेवीली इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, उनको पता है ये कंपनी आगे जाके ग्रो करने वाली है, तो इस कंपनी में उन्होंने अच्छा खासा दांव खेला है दोस्तों। और अभी हम पीयर्स में जाएंगे तो ये कंपनी FMCG में इस कंपनी को इंक्लूड किया है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसके कॉम्पिटिटर दिखाए इन्होंने, HUL, डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, मगर इन सभी कंपनियों का बिजनेस दोस्तों इस कंपनी के जैसा नहीं है। उनकी वो भी बनाते होंगे मैट्रेसेस, मगर इनका स्पेशली उसी में बिजनेस है दोस्तों। तो शीला फोम को इन कंपनियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये कंपनी आप मोनोपोली भी बोल सकते हो, इसके ज़्यादा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है दोस्तों। कॉम्पिटिशन है मार्केट में, मगर ऐसे लिस्टेड कंपनियाँ नहीं है दोस्तों। तो ये कंपनी आगे जाके ग्रो करने वाली है दोस्तों। और अभी हमारे शेयर प्राइस पे आप देख सकते हो कल के दिन इस शेयर में 8.9% की रैली हुई है दोस्तों, और थोड़ा सा क्लोज होते होते नीचे आया था स्टॉक दोस्तों, और 3,255 रुपीज़ पे ये क्लोज हुआ है। और 1 मंथ में देखिए इसने 11% की रिटर्न दिए दोस्तों, 1 मंथ में शेयर ने 11% की रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। और अभी 6 महीने में देखोगे तो 5% डाउन ही दिख रहा है दोस्तों। अब इसके हाई से लो कंपेयर करोगे तो 34% की गिरावट है दोस्तों लगभग। तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, और आप देख सकते हो बुलिश कैंडल बना रहा है ये, और कंटिन्यूअसली भाग सकता है दोस्तों ये शेयर, और अपने 52 वीक हाई को टच भी कर सकता है। इसका शेयर प्राइस टारगेट आप 4,000 के ऊपर लेके चल सकते हो दोस्तों, ये शेयर 4,000 को जल्दी ही टच करेगा दोस्तों। और आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में 5% डाउन ही चल रहा है दोस्तों।
और वो एक साल में देखिए 41% की रिटर्न दिए दोस्तों। एक साल पहले जिसने भी इस शेयर को खरीदा है दोस्तों, वो अच्छे खासे रिटर्न पे दोस्तों। तो आप देख सकते हो ऐसे मिनिमम आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे होल्ड करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके कुछ तो पैसा बनेगा दोस्तों। अदरवाइज आप इन्वेस्ट करोगे, 6 महीने में गिर जाएगा, फिर आप इसमें से एग्जिट कर दोगे। अगर आपके पास माल पड़ा है दोस्तों, अगर हाई पे खरीदा है आपने और थोड़ा सा नीचे आ चुका है अभी शेयर, तो एवरेजिंग करने की कोशिश कीजिए। इसको लॉस में एग्जिट मत कीजिए दोस्तों इस शेयर से। इसका 52 वीक लो देखिए 2226 रुपीज़, और 52 वीक हाई 4055 रुपीज़। तो ये अपने 52 वीक हाई को जरूर क्रॉस कर देगा दोस्तों। ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा दोस्तों। और 5 सालों में देखिए कंपनी ने 135% की रिटर्न दिए दोस्तों। और मैक्सिमम देखोगे तो देखिए ये कंपनी 2016 में लिस्ट हुई है दोस्तों, 1000 रुपीज़ पे लिस्ट हुई है, और देख सकते हो कंटिन्यूअसली भाग रहा है दोस्तों। और अभी इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई थी, और इस गिरावट में आप खरीदिए दोस्तों, अब ना कि आपके पास जो माल है बेच के निकल जाइए। अभी ये शेयर रैली कर रहा है, तो आगे ये अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करके आगे जरूर निकल जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।